हमारे लिए बड़े ही दूरदर्शी हमारे मार्गदर्शक मैडम नीलम कुंडी जी का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हम एक विशेष दिवस जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो मैडम का विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा एक बार पुनः गड़गड़ाहट करें मैडम के सम्मान में, क्योंकि जो दिवस है ये हमारे लिए ही विशेष है, शिक्षकों के लिए है, और इसीलिए हमने खंड स्तर पर जो है इस दिवस को तो आदरणीय हमारे प्राचार्य सीनियर सुमेर सिंह जी और जयपाल जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए। श्री सुरजीत जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोडपुर से पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगी साहब सिंह गंगा जी से, श्री सुरेंद्र राठी जी से, ऋषि जी से, अगर वो प्रांगण में हैं, अगर स्कूल में हैं, तो कृपया मंच पर पधारें। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं का, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन, जिनकी कृपया नीर से जीवन हुआ चंदन। तो हमारे बीच हमारी बिहार से नेता गरग मैडम पहुंचे की तो जोरदार तालियों से खड़े होकर स्वागत करें मैडम जी का, क्योंकि हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारे ब्लॉक के जो आला अधिकारी हमारे बीच जो है पहुंच चुके हैं मैडम बिहार से, तो इनका भी हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, सभी बैठ जाए प्लीज। तो आज का जो दिन है जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि तो आज के दिन एक ऐसे भारत रत्न का उदय हमारे दक्षिण भारत के एक प्रांत जिसका नाम तमिलनाडु, जो कि प्रायद्वीप एक तरफ बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से घिरा हुआ है, वहीं पर एक रत्न का जन्म हुआ जिसको बाद में भारत रत्न की भी प्राप्ति हुई, और उस महान शिक्षक का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि विभिन्न पदों पर अपने कार्यकाल में बने रहे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, चाहे राजदूत है, तो अनेक भूमिका जो है उन्होंने अपने जीवन में सेलिब्रेट की। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सदस्य भी है, तो अनेक पदों पर वो सुशोभित रहे, तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा सारा ब्लॉक जो है हमारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप सभी का एक बार मन की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो मैं चाहूंगा एक बार तालियों की जयकारा जो है आपकी हो इस दिवस पर, ताकि इस दिवस की शोभा को जो है वो बढ़ाया जा सके। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथिगण पधार चुके हैं, पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस उत्सव पर। ज्ञान का भंडार मुझे किया भविष्य के लिए तैयार, मुझे जो किया अपनी उस उपकार के लिए, नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए। इस शिक्षक दिवस पर, हरी सुबह पर, और यहाँ उपस्थित सभी भविष्य के निर्माताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि पावटी की पावन धरती को आपने यहाँ पधार कर धन्य कर दिया। गाते गाए गंधर्व गण, बहुत ही मधुर और सुंदर वाणी, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। पार्वती बाई धुले जो कि पहली महिला शिक्षक जिन्होंने एक ज्ञान की ज्योति आइए इस खूबसूरत सी परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय चीफ गेस्ट महोदय महोदया श्रीमती नीलम कुंडू जी का, हमारी बी आर सी एम अनिता गर्ग जी का माल्यार्पण करते हुए मैम सदा फूलों की तरह यूं ही महकती रहे,
और फूलों की तरह मुस्कुराती रहे, यही हमारी हम सब की कामना है। वैसे तो हम सब मैम के नेचर से सब सभी परिचित हैं, लेकिन अगर मैम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। नीलम कुंडू मैम एक आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है, ठहरा हुआ संयमित लहजा, एक कुशल प्रशासक और समय की पाबंद हमारी मैम। ये एक लंबे समय तक शिक्षाविद भी रही है, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मैम का। पुनः एक छोटी सी कमी है आप सभी की तालियों की, तो एक जोर की तालियों की गड़गड़ाहट से मैम का स्वागत करेंगे। मातृशक्ति का वंदन और नमन अनिवार्य है। आज इस पावटी की धरती पर इतनी महान शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, हम सब धन्य हैं। मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती। चुनौतियां मुश्किल थी और राह भी कठिन, चुनौतियां मुश्किल थी और राह भी कठिन, लेकिन संकल्प और संघर्ष से कब हार है। आज इस मंच पर विराजमान सभी शिक्षकगण और विद्यालय प्रांगण में पधारे सभी शिक्षकगण सम्मान के हकदार हैं। मैं रंगा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो IDBI के बैंक मैनेजर श्री दीप रवि का भी माला अर्पण के साथ स्वागत करेंगे। तो माला अर्पण देखते हमारे मंच पर जो है मुख्य अतिथियों का किया जा रहा है, जो कि हमारी संस्कृति की परंपरा है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष और लगन की जरूरत होती है, वो मैं यहाँ सभी के चेहरों पर देख रही हूँ। ये गर्व की जो अनुभूति है मुझे अंदर से महसूस हो रही है। तो एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। सभी प्रधानाचार्य, मुख्य शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, सभी अध्यापक और सभी बच्चे जो इस समारोह का हिस्सा बने, सबसे पहले तो सभी अध्यापकों को अध्यापक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भी मनाया जाता है कि हम जो अध्यापक हमारे स्कूलों में या स्कूलों से बाहर और भी जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हुई उनको कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाए, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, इसीलिए ये अध्यापक दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में वैसे तो आप सभी ने अभी प्रधानाचार्य लक्षेदा से श्री सत्यनारायण जी ने बताया कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस, और उन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस शख्सियत के बारे में सर ने काफी विस्तार से बताया, तो उन चीजों को मैं दोबारा ही बताना चाहूंगी। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में शिक्षक दिवस 1962 से मनाया जाना शुरू किया, लेकिन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, वर्ल्ड टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। शायद हम बहुत कम जानते हैं, और वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th of October एंड इट वॉज स्टार्टेड सिंस 1994। मैं ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अध्यापकों को, शिक्षकों को एक सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। सिर्फ हमारे देश में नहीं बाकी दूसरे देशों में भी ये माना जाता है कि एक शिक्षक ही वो इंसान है जो राष्ट्र का और समाज का एक अच्छी तरह से निर्माण कर सकता है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो जो हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, उसका सुधारता है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं, वो अपने माता पिता को छोड़कर जब स्कूल में आते हैं, तो वो अध्यापक के ही संरक्षण में होते हैं। जैसे शिक्षा वो उसको देता है, वही शिक्षा वो देते हैं। और घर में भी जब अपने माता पिता से ज़्यादा वो अपने शिक्षक को ही मानते हैं। हम कई बार देखते हैं कि घर में माता पिता उसके शिक्षक का नाम लेते हैं, उससे बहुत सारे काम करवाते हैं कि आपकी मैडम ने ये कहा है, आपके सर ने ये कहा, तो बच्चा अपन उस बात को मान लेता है। और हमारे ऊपर बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देश का भविष्य आप सभी के हाथों में है, और आप इसको किस दिशा में लेकर जा रहे हो ये आपका उत्तरदायित्व है। मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारे ब्लॉक के शिक्षक हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, हर तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जब से ज्वाइन किया है, मैंने हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, चाहे वो हरियाणा उदय का प्रोग्राम हो, चाहे वो
शिक्षा की दृष्टि में हम देखें आकलन के कार्यक्रम हो या योजिगम के कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र में हमारे शिक्षक हमारे प्रधानाचार्य आगे बढ़कर काम करते हैं। और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनको ये निर्देश दिए गए थे आज के प्रोग्राम के लिए कि आप अपने स्कूल से एक शिक्षक का नाम दें। मैं सोच सकती हूँ कि वो भी कश्मकश में होंगे कि हम किसका नाम दें और किसका नाम छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। 10% तो हर जगह ही हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन 90% मैं जाना चाहूँगी हमारे सभी प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर प्राइमरी शिक्षक और हमारे टीचर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और यही प्रेरणा हमें इस दिन ले रही है कि हमारा जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाएं, और हमारी जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश का भविष्य देश समाज का निर्माण हमें करना है और वो अच्छा होना चाहिए, इसी का हम संकल्प है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको और अच्छी तरह से निभाएं। कल के प्रोग्राम में जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने बात की कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और मॉरल वैल्यूज को भूल रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो मॉरल वैल्यूज की तरफ भी बच्चों को ध्यान देते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी में अगर हम पीछे रह गए तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने जो नैतिक मूल्य हैं जो हमारी सभ्यता है उसको भी नहीं भूलना, साथ ही साथ हमें दोनों को साथ लेकर चलना है ताकि बच्चे का भविष्य भी बने और वो जो उसकी वैल्यूज हैं हमारे देश की हमारी परंपरा की जो वैल्यूज हैं उनको भी साथ में रखें, ईमानदारी से काम करें और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाना है और एक उसको सेल्फ डिपेंडेंट इंसान भी बनाना है कि वो आत्मनिर्भर हो सके, क्योंकि वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वो देश की और समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। हमारे दोनों ही लक्ष्य हैं कि हमने बच्चे को आत्मनिर्भर भी बनाना है और उसको उसकी वैल्यूज के साथ भी जोड़े, नैतिकता के साथ भी जोड़े रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे अध्यापक यहाँ पर हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे और जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं मानती हूँ कि आपके लिए काम बहुत सारे हैं, स्कूल के लिए भी काम है, शिक्षा के लिए भी काम है और दूसरे कामों में भी आपकी हर जगह ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमें जो भी ड्यूटी दी जाती है हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली हमारे अध्यापक उसको बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं, शायद इसी वजह से हमारी ड्यूटी कंटिन्यू लगाई जाती है। इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर से एक बार शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।